राकेश जी, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से यहां पर हमने देखा क्लीन स्वीप मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है और कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ गई, दूसरी तरफ जो 400 पार का नारा लगा वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। वो जाएंगे जाएंगे, देखिए अभी तो मामा मामी नजर आ रहे हैं तो पहले वो दिखा देते हैं तस्वीरें। शिवराज सिंह चौहान प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए गुलदस्ता अपनी पत्नी को भेंट करते हुए, क्योंकि वो जब भी जाते हैं जहां भी जाते हैं पत्नी को साथ में रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जीवन को और आगे बढ़ाने का श्रेय उनकी पत्नी को देते नजर आते हैं। मुस्कुराते हुए जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान, बड़ी जिम्मेदारी की बात ऋतु याद हो गया, बड़ी ये जानकारी आपको ये भी हम दें कि इस बार कहीं ना कहीं हैट्रिक जो है मारी गई है, 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। मतलब जो कहा जा रहा था शिवराज सिंह ने जो वादा भी किया था, 29 फूलों का भी वादा किया था, कमल का वादा किया था कि इसकी माला लेकर के मैं पीएम के गले में पहनाऊंगा, 29 के 29 के फूल दूंगा। और मुझे याद है उसी के खुशी जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और ये तय नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान क्या दिल्ली जाएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने, जितेंद्र जी आपके लिए, शिवराज सिंह चौहान ने तभी सीधा रुख कर लिया था छिंदवाड़ा का, बोले छिंदवाड़ा जीतना है और छिंदवाड़ा जीत कर और मोदी जी की झोली में डालना है 29 के 29 का मत, और यही नजर आ रहा है जितेंद्र जी। नहीं तो ये तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तब से ही लग रहा था, विधानसभा में वादा किया था कि इस लोकसभा में 29 के 29 फूल में झोली में जाकर के डालूंगा मोदी जी के, ये वादा किया था, वादा उन्होंने पूरा किया है। नहीं देखिए, शिवराज सिंह जी का इसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के प्रयास किए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का षड्यंत्र किया छिंदवाड़ा में, उसकी पोल विक्रम हाके ने वापस कांग्रेस पे आके खोल दी, इस तरीके से एक माहौल बनाया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं विक्रम आहाके ने पोल खोल दी जांजगीर चापा से, बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने जीत दर्ज कर ली है, ये बड़ी खबर। और जांजगीर चापा वो सीट मानी जा रही थी जहां से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि यहां से तो साहब जांजगीर चापा में तो हमारे सारे विधानसभा तो हमारी है तो हम आसानी से निकाल ले जाएंगे, कल ही बात हो रही थी आसानी से निकालने की बात हो रही थी, ये देखिए क्या हो गया, बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने जीत दर्ज की और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है या कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा चिंतामणि महाराज जो कि कांग्रेस में थे उसके बाद बीजेपी में चले गए, टिकट मिलने की शर्त पर गए थे कि साहब हमको टिकट चाहिए लोकसभा का, लोकसभा लड़ाओगे तो आता हूं, लोकसभा लड़ा दिया, जीत दर्ज कर ली, बीजेपी के हो गए। लोकसभा क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, और साथ में केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस उम्मीद और आशा के साथ में मुझे चुनाव लड़वाया था उसको यहां की जनता ने पूरा करने की कोशिश की। अरे जयपुर के प्रत्याशी थे और जीत दर्ज कर ली है, ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं। और ये भी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि चूंकि अब ये सांसद बन गए हैं तो मंत्री पद भी इनके पास से जाएगा, विधायक हैं ही तो विधायक से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, यहाँ उपचुनाव होने वाला है। उधर शिवराज सिंह चौहान भी विधायक हैं, वो भी सांसद बनने वाले हैं, जब हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा तब सांसद कहलाएंगे वो, तो जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा वैसे ही वहां भी उपचुनाव होने वाला है, तो ये अपडेट आपको दे देते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, राकेश गोयल जी क्या करेंगे कहेंगे इस सिनेरियो के बारे में, ये जो तस्वीर उभरती नजर आ रही है और मध्य प्रदेश की तस्वीर देश की तस्वीर से भिन्न है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आहट नजर आ रही है, मुझे आहट कोई नजर नहीं आई मध्य प्रदेश के अंदर, आह जरूर नजर आई कांग्रेस की, आह के हिसाब से मतलब वो दर्द भरी आह उनकी निकली है कि 29 में से बिल्कुल शून्य यानी क्लीन स्वीप वहाँ पे मिल रही है पूरी भाजपा को, वहाँ पे 29 की 29 सीटें प्रदेश की जनता ने दे दी है, लगभग देने की कगार पे पहुंचा दिया है। तो आहट तो कुछ नहीं है, आह जरूर है, दर्द भरी आह है, वो इसको अभी एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। और कमोबेश यही हाल छत्तीसगढ़ के अंदर भी है जिसमें की 10 सीटों पे भी बीजेपी आगे चल रही है और कुछ दिन भी हो गए हैं। सर आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मुझे छत्तीसगढ़ से याद आ गया, अभी अभी हम दिखा भी रहे थे कि कौन जीता कौन हारा,
तो गोयल साहब, आप जानते होंगे कवासी लखमा साहब जो हैं, कवासी लखमा हार गए, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए। देखिए बहुत बड़ी खबर, कुछ देर पहले लीड कर रहे थे वो, जब अंशिका हमारे साथ जुड़ी थी तब जानकारी आई थी कि लीड कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री अगर लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। ऋतु, सवाल इसलिए खड़े होंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार जाते हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार जाती हैं। तो अगर स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए हैं तो ये क्या मैसेज है? अयोध्या का जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या भाई लूज कर दिया आपने, तो ये एक मैसेज, यहाँ की जनता ने क्या मैसेज देने की कोशिश की? कई जगह ये क्लियर कहीं ना कहीं किया कहा गया है, जनता की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ चेहरे पे काम नहीं चलेगा, जो काम एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है तो हम ऐसे वोट करेंगे या पार्टी बदल देंगे, वहां पे जो हमें काम चाहिए उसी के उस पर ही वोट किया जाएगा। सहयोगी तनु वर्मा हमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर की बहुत वीआईपी सीट या छत्तीसगढ़ की उन सीटों में रायपुर की सीट की गणना होती है जो कि सबसे खास सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको अग्रवाल साहब, मुकाबला कितना दिलचस्प रहा, कैसा लग रहा है? अब विधायक से आप सांसद बन जाने वाले हैं, मंत्री पद तो अब मंत्री की जिम्मेदारी तो किसी और को सौंपनी पड़ेगी। पटाखों की आवाज इतनी ज्यादा है, इतनी खुशी है, मुझे याद आ रहा है पटाखों की आवाज सुन करके कि जब वोटिंग हुई थी तब भी पटाखे छोड़े गए थे, वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद खूब पटाखे छोड़े गए, खूब जश्न मनाया गया। अग्रवाल साहब आपको आवाज मिल रही है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, रायपुर शहर की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसके अनुरूप रिजल्ट आया है, 6 लाख वोटों से लगभग अभी आगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का जो प्यार स्नेह आशीर्वाद पिछले 40 सालों से मिल रहा है वो वोट के रूप में परिवर्तित हुआ है, और केंद्रीय नेतृत्व तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास के ऊपर में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाई है। क्या जिम्मेदारी की उम्मीद हम करें कि ब्रिजमोहन भैया जो हैं क्या जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे? अब केंद्र में जा रहे हैं आप तो। देखिए मैंने कभी भी अपने लिए जिम्मेदारी तय नहीं की है, मेरे लिए जिम्मेदारी जो भी तय की है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय की है, और शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी, देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब एक बहुत अच्छी खबर आपके कार्यकर्ताओं को साझा करने के लिए, आपके लिए भी खबर, बहुत अच्छी खबर, 1,52,000 वोट से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से जीत गए। चलिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और बनारस की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन ब्रिजमोहन भैया 6 लाख प्लस से लीड कर रहे हैं और यहाँ 1,52,000, क्या वजह रही? जी देखिए ये अलग अलग क्षेत्र की जनता का अपना अलग अलग स्वभाव होता है और अलग अलग मुद्दों पर वो वोट देती है, जीत जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से जीता जाए चाहे 10 लाख वोट से जीता जाए, जीत जीत होती है, और बनारस की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगभग 2 लाख वोटों से जिताया है, उसके लिए हम वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। अग्रवाल साहब ये तो छत्तीसगढ़ की हमने बात की, मध्य प्रदेश का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पर ओवरऑल पर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह से देखते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं? इंडिया भी कहीं ना कहीं इस बार आगे बढ़ा है, इंडिया गठबंधन, तो आप इसे किस तरह देखते हैं, कहां पर चूक रह गई, जो 400 पार का नारा था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 400 पार का नारा पूरा नहीं होता नजर आया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सवाल है ऋतु, और दूसरा कि बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छुपा रही, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं बीजेपी छुपाई और ना ही 400 पार। बहुमत के आंकड़े पर तो पहुंच गए, बहुमत के आंकड़े के लिए 200 पर
275 सीटें चाहिए और बीजेपी लगभग 300 के आसपास एनडीए पहुंच गया है, तो बहुमत का आंकड़ा तो बीजेपी और एनडीए ने 400 पार कर लिया है। अग्रवाल साहब, मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है और सरकार बनना तय है और जो विकसित भारत की कल्पना है वो मोदी जी के नेतृत्व में पूरी होगी। कई बहुत सारी सीटें हमने ऐसे देखी, हॉट सीट भी देखी, कई कुछ केंद्रीय मंत्रियों की भी देखी, आखिर उन्हें जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ रहा है तो क्या मानते हैं इसके पीछे वजह कि जो चेहरे के नाम पर वोट लग रहा था कि मिल जाएगा वो नहीं मिला, लोगों ने नकार दिया, बोला नहीं अगर हमारे लिए काम नहीं हुआ है तो हम वोट नहीं देंगे। देखिए, जो जनता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है और जो वोट की राजनीति में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य कामों के आधार पर जब वोट मिलता है तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हार जाते हैं और जो छोटे छोटे लोग हैं, जो जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो जीत जाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, वन साइडेड होगा तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती थोड़ी होगी। पर नतीजे, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें अच्छे अच्छे लोग हार गए हैं और जिनके बारे में लोग बोलते थे ये नहीं जीतेंगे वो जीत गए हैं, यही लोकतंत्र है। अग्रवाल साहब, मुझे याद आ रहा है, देखिए अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो चिंतामणि मालवीय साहब की जीत भी दर्ज की जा रही है और चिंतामणि मालवीय साहब को बीजेपी में लाने का श्रेय जो है अग्रवाल साहब को ही जाता है। वही गए थे और भले ही अंदर क्या मंत्रणा हुई लेकिन बाद में खबर आई कि सांसद ही दिलाओगे क्या, टिकट दिलाओगे क्या, टिकट भी मिला, जीत भी दर्ज की, क्या कहेंगे? देखिए चिंतामणि, तो इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, दमोह से बीजेपी के राहुल जीते हैं, जबलपुर से बीजेपी के आशीष दुबे की जीत हुई है, यह बड़ी जीत दर्ज की गई है। दमोह से बीजेपी के राहुल सिंह लोधी की जीत हुई है। तो एक के बाद एक सीट पर क्लियरिटी जो है सामने आ रही है। अभी तक आगे सभी सीट पर जो है बीजेपी चल रही थी और कुछ कुछ सीटों पर ही क्लियर हो पाया था, अब एक के बाद एक क्लैरिटी मिलती जा रही है कि कहां कहां पर बीजेपी जीत चुकी है। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। देखिए, आपकी पार्टी के लोग जीत रहे हैं और चिंतामणि महाराज की बात हो रही थी, आपका बहुत बड़ा सहयोग था, क्या कहना चाहेंगे? चिंतामणि महाराज को जीत दर्ज कर ली उन्होंने। मैं चिंतामणि महाराज जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके पिता श्री गाहिरा गुरु जी होते थे जी। जो गाहिरा गुरु जी ने पूरे सरगुजा में एक परिवर्तन लाया, लोगों को नशे से मुक्ति दिलवाई, लोगों को मांसाहार छुड़वाया और उनकी एक बड़ी मान्यता थी, कांग्रेस ने उनकी बहुत बड़ी उपेक्षा की और उसके कारण वो बीजेपी में आए और जनता ने उनका साथ दिया, आज वो सांसद बन गए हैं और इसके लिए वहां की जनता को भी मेरी बधाई है और चिंतामणि महाराज जी को भी मेरी बधाई है। अग्रवाल साहब, एक और सवाल आपसे, दादी को क्या कहना चाहेंगे? आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा, दादी ने मुर्गा लड़ाया था और कहा